संगठन इसरो अब पूरी तरह से व्यावसायिक लॉन्च के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत 16 सितंबर 2018 को होगी, जब पीएसएलवी C-42 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 ब्रिटिश उपग्रहों के साथ उड़ान भरेगा। अपनी इस उड़ान में पीएसएलवी C-42 2 ब्रिटिश उपग्रह नोवासार और S-14 को धरती की कक्षा में स्थापित करेगा। 450 किलोग्राम वजन के इन उपग्रहों का निर्माण ब्रिटिश कंपनी सर्रे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी SSTL ने किया है। इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स लिमिटेड से इसके प्रक्षेपण का करार हुआ। नोवासार एक तकनीकी प्रदर्शन उपग्रह मिशन है। इसमें कम लागत वाला एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार भेजा जाएगा। इसे धरती से 580 किलोमीटर ऊपर सूर्य की समकालिक कक्षा यानी SSO में स्थापित किया जाएगा, जबकि S-14 एक भू अवलोकन उपग्रह है जो 1 मीटर से भी छोटी वस्तु को अंतरिक्ष से देख सकता है। ये उपग्रह SSTL की अंतरिक्ष से भू अवलोकन क्षमता को भी बढ़ाएगा। ये उपलब्धि काफ़ी इसरो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ी है, क्योंकि दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश हैं जो कि ये क्षमता रखते हैं सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने की, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की जो क्षमता है वो कुछ ही देशों में है, इसमें भारत एक है। तो इसलिए ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इससे पहले 23 अप्रैल 2007 को इसरो ने पहली बार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रॉकेट लॉन्च किया था। तब पीएसएलवी सीए ने इटली के खगोलीय उपग्रह एजाइल को प्रक्षेपित किया था। इसके बाद 10 जुलाई 2015 को इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की, जब उसने पीएसएलवी C-28 से 5 ब्रिटिश उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया, जिसका कुल वजन 1,439 किलोग्राम था। इसरो अब तक 28 देशों के 237 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। इसके साथ ही इसरो लगातार अपनी क्षमता और तकनीक को बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च कर सके। इसके जरिए उसे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की कमाई की भी उम्मीद है। इसरो को इन चीजों से दो तरह का फायदा होगा। एक तो कॉमर्शियल, जिसमें बोलते हैं व्यावसायिक, क्योंकि बहुत सारे देश आजकल क्या है कि उपग्रह की तरह तरह के उपयोग हैं, और सबसे बड़ा उपयोग उपग्रह का ये है कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इसके लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि उनका सैटेलाइट उनका उपग्रह ऊपर हो, जिसको वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उनके पास इसको वहाँ पर लॉन्च करने में, उसको अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह के देशों का उपग्रह हम भेजकर इसको व्यावसायिक लाभ उनसे उठा सकते हैं। ये भी सक्सेस हो गया तो इसका मतलब होगा दैट पीएसएलवी 42 टाइम्स कंटिन्यूअसली सक्सेस हो गया। अभी तक वर्ल्ड में मे बी ये सेकंड रॉकेट होगा इस तरह से कंटिन्यूअस सक्सेस देने वाला। रशियन रॉकेट इज वन थिंग विच इज इस तरह से एक स्टेबिलिटी है उसका ऊपर हमको विश्वास है, इसी तरह इसके ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। इस साल के आखिरी तक इसरो ने पीएसएलवी C-41 से 9 वाहन उपग्रह IRNSS-1I का प्रक्षेपण 12 अप्रैल को किया था। हालांकि उसके बाद GSAT-11 का प्रक्षेपण प्रस्तावित था, लेकिन अब यह मिशन नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। GSAT-11 उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है। इसके अलावा इसरो की योजना अक्टूबर महीने में GSLV Mark 3 D2 से GSAT-29 उपग्रह लॉन्च करने की है। दरअसल अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और शोध करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए